स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा बुया ऐप में टिकट से क्या होता है। तो जल्दी से जान लेते हैं बुया ऐप में टिकट से क्या होता है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और बुया ऐप को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। बुया ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप आसानी से बुया ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप बुया ऐप को ओपन कर रहे हैं तो आपको इसमें आईडी बनानी होती है, अकाउंट बनाना होता है और वो वीडियो आप हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद पर देख सकते हैं। बुया ऐप का अकाउंट कैसे बनाएं या फिर बुया ऐप को यूज़ कैसे करें या फिर बुया ऐप में डायमंड कैसे लें, ये सारी वीडियो मैं अपने टेक्निकल दिलसाद चैनल पर पहले ही बना चुका हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाएंगे बुया ऐप में टिकट क्या होता है और बुया ऐप में टिकट को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले पर अपनी प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है और बुया ऐप में टिकट किस जगह होता है वो यहां पर आपको वॉलेट का फीचर दिया गया है। आपको सिंपल टिकट देखने के लिए वॉलेट फीचर पर क्लिक करना है। अब हम यहां पर वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर अभी 55 टिकट हो चुके हैं। और अगर आप टिकट कमाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, बुया ऐप में टिकट कमाने के लिए आपको यहाँ पर एक लाइव फीचर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सभी लाइव स्ट्रीमिंग आ जाएंगी जो अन्य लोग बुया ऐप में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके सामने सारी लाइव स्ट्रीमिंग आ जाएंगी, आप यहाँ पर इनमें से किसी भी एक लाइव स्ट्रीमिंग को प्ले कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीमिंग प्ले कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक ये फीचर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ टिकट मिलते हैं, आपको यहाँ पर कुछ वीडियोज वगैरह देखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये 5 टिकट हैं और ये 5 टिकट पाने के लिए मुझे यहाँ पर 5 मिनट तक ये वीडियो देखना होगा। अब यहाँ पर मैं 5 मिनट तक ये वीडियो देख लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस 5 टिकट को अर्न कर लेता हूँ। तो हमने 5 मिनट तक ये लाइव स्ट्रीमिंग देख लिया है। अब यहाँ पर हमारे 5 मिनट वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये 5 टिकट पाने के लिए क्लेम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 टिकट क्लेमेड हो चुके हैं और हमें यहाँ पर ये 5 टिकट मिल चुके हैं। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और अपने प्रोफाइल में जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर अब हम वॉलेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 60 टिकट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 60 टिकट तो हो चुके हैं, हम यहाँ पर गेट मोर पर क्लिक करने के बाद इसमें और टिकट भी पा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो यहाँ पर मुझे 25 टिकट मिले थे। अब यहाँ पर मैं अगर किसी को गिफ्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ पर 20 टिकट मुझे और मिल जाएंगे और मैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करता हूँ तो यहाँ पर 10 टिकट मिल जाएंगे। किसी को फॉलो करता हूँ तो 10 टिकट मिल जाएंगे। चैट करता हूँ तो यहाँ पर 10 टिकट मुझे मिल जाएंगे। इस तरह मैं यहाँ पर और टिकट इसमें कमा सकता हूँ। अब यहाँ पर लिमिट द मिशन फीचर दिया गया है, अगर आप यहाँ पर लिमिट द मिशन फीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और इसमें टास्क हैं जिन्हें आप देखकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इन टिकट को कैसे यूज़ करना है। अब टिकट को यूज़ करने के लिए भी आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर मैं किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर ली है, अब यहाँ पर नीचे आपको एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ गिफ्ट दिए गए हैं, ये गिफ्ट आप जिसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उसे सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास अभी यहाँ पर 60 टिकट हैं लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी स्ट्रीमर को ये वाला गिफ्ट भेजने के लिए यहाँ पर 200 टिकट होना मेरे पास अनिवार्य है, तब जाके मैं किसी को भी ये गिफ्ट सेंड कर सकता हूँ। टिकट से आप केवल यहाँ पर ये वाला जो एक गिफ्ट है इसे यहाँ पर भेज सकते हैं। अभी मेरे पास 200 टिकट नहीं है, केवल यहाँ पर 60 टिकट हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं भेज सकता। आपको पहले टिकट इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद आप किसी भी स्ट्रीमर को इसमें से कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। टिकट का केवल यही यूज़ होता है और मेरे हिसाब से इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।